तो कल 30 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस पर्सन लेटा हुआ है, और उसके जब कुछ लोकल लोगों ने उसे शिफ्ट किया JVC मोमिना में, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी पे मल्टीपल बोन इंजरी हैं जो एक शार्प एज वेपन से लगी हैं। सारे CCTV कैमरे थे तो उनके मल्टीपल हमने CCTV कैमरे एनालाइज़ किए। उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, हमने उसका टावर ट्रैफिक लिया, वहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया। एक सस्पेक्ट हमने जीरो डाउन किया, जब जीरो डाउन हो गया उसको हम लेके आए अपने थाने, वहाँ उससे हमने पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने वॉलंटरली बताया कि ये ऑफेंस उसने किया है। कैसे किया, उसका रीजन ये बताया कि वो पिछले 1 साल से जो हमारा विक्टिम है उसकी बेटी के साथ रिलेशन में था, और ये बात उसके जो फादर है जो विक्टिम है उसको पसंद नहीं थी, और वो काफ़ी लंबे टाइम से इस बात का अपोज कर रहा था। इससे क्या हुआ कि जब इसको अक्यूज़ को ये बात पता लगी काफ़ी लंबे टाइम से, तो इसके मन में एक ऐसी इंटेंशन थी कि क्यों ये अपोज कर रहा है, तो एक बदला लेने की इंटेंशन थी इसके पास। इसी के चलते इसने कुछ टाइम पहले, कुछ 4 या 5 महीने पहले, एक चाकू लिया, शार्प एज वेपन, बटमालू से किसी से ख़रीदा इसने, और हमेशा से ये मौका देखता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ये उस पर एक्शन लेगा। फ्रिक्वेंटली इसने कई बार गया भी, आगे पीछे देखा भी, लेकिन वहाँ इसे मौका मिल नहीं पाया। कल शाम को क्या हुआ कि जब विक्टिम अपने घर पे था, उसने देखा कि ये अक्यूज़ बेटी के साथ उसी कॉलोनी में था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि थोड़ी इनके झगड़ा अगड़ा हुआ, उसने डांटा, तो उस टाइम पे इसे एक मौका मिला क्योंकि गली में कोई नहीं था, पूरा गली सुनसान थी, शाम का टाइम था। इसने चाकू निकाला जो ये हमेशा अपने साथ रखता था बदला लेने के लिए, इसने चाकू निकाला और मल्टीपल उसके गर्दन पे, उसके चेस्ट पे कई सारे उसने अटैक किए। कि जो ब्लड स्टेन शर्ट थी जिस पे विक्टिम का ब्लड भी था, वो उसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी। जो इसका चाकू था जिस पे ब्लड लगा हुआ था, वो उसने दूसरी जगह छुपा रखा था, और जो इसका ट्राउज़र था वो उसने तीसरी जगह छुपा रखा था। ये सारी हमने इसके इंस्टेंस पर रिकवर की है। अक्यूज़ को हमने अरेस्ट कर लिया है, ये SSP सर की लीडरशिप में विद इन फ्यू आवर्स, क्योंकि शाम का इंसिडेंट 6 बजे का है, और रात के 2 बजे तक हमने जो अक्यूज़ है उसको भी अरेस्ट कर लिया था।